देश के लिए सुहागन क्रांतिकारिणी ननीवाला देवी। मानव के जीवन में स्वतंत्रता एवं स्वदेश के प्रति प्रेम से बढ़कर दूसरा कुछ भी नहीं होता। स्वामी विवेकानंद ने अपनी भावपूर्ण वाणी में कहा है, सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना छोड़ो, केवल देश माता की आराधना करो। वाल्मीकि रामायण में श्री राम कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, यह स्वर्णमयी लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से पराधीन भारत में एक नव जागरण का युग आरंभ हुआ। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन की चिंगारियां भारत के विभिन्न प्रांतों में फूटने लगी। विशेषकर बंगाल की भूमि क्रांति की अग्नि से ज्वलंत अग्निकुंड बनकर धधकने लगी। संपूर्ण बंगाल क्रांतिकारी क्रियाकलापों से उद्वेलित होने लगा। क्रांतिकारी विचारधारा वाले नव युवकों का एक संघ बन गया था, जिसमें प्रमथनाथ मित्र, सतीश चंद्र बसु, अरविंद घोष, भगिनी निवेदिता, सरला देवी जो रविन्द्रनाथ ठाकुर की भांजी थी, सुरेंद्रनाथ ठाकुर आदि लोग थे। बंकिम चंद चटर्जी के द्वारा रचित आनंद मठ उपन्यास तथा वंदे मातरम का देशभक्ति गीत 19वीं सदी से ही राष्ट्रवाद की बौद्धिक एवं प्रेरणामूलक नींव को सुदृढ़ता से तैयार कर चुकी थी। साथ ही स्वामी विवेकानंद द्वारा विदेश में दिए गए व्याख्यानों ने भी भारतीय जनमानस को भारतीय दर्शन एवं आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति जागरूक कर दिया था। इस समय के चरमपंथी नेताओं के लिए आध्यात्मिकता ही भारतीय आंदोलन का मूल आधार था। भारत का प्राचीन इतिहास, गीता, वेद, उपनिषद आदि उनके प्रेरणा के मूल स्रोत थे। राष्ट्रवाद को उन लोगों ने धर्म के साथ जोड़ा था। क्रांतिकारी नेताओं के हृदय में युगावतार श्री रामकृष्ण देव गंभीर श्रद्धा का स्थान ले चुके थे। क्रांतिकारियों के संघ और समितियों में श्री रामकृष्ण विवेकानंद के चित्र की पूजा होती थी और वे लोग उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते थे। स्वामी जी का युवा देशवासियों के प्रति आह्वान और उनकी रचनाएं भारतीय युवाओं के अनुप्रेरणा की प्रधान स्रोत थी। स्वामी जी ने देश के पुनर्जागरण के लिए स्वदेश मंत्र की रचना की थी, जिसमें उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा, हे वीर, साहस का आश्रय लो, गर्व से कहो कि मैं भारतवासी हूँ और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। कहो कि अज्ञानी भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चंडाल भारतवासी सब मेरे भाई हैं। भारतवासी मेरे प्राण हैं। भारत की देव देवियाँ मेरे ईश्वर हैं। भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और मेरे बुढ़ापे की काशी है। भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है। स्वामी जी के इन्हीं शब्दों से प्रेरित होकर बंगाल के न केवल नवयुवक बल्कि नवयुवतियां भी देश के लिए आत्मत्याग के पथ पर अग्रसर होने लगी। भगिनी निवेदिता अपने 1909 ईस्वी की 22 जुलाई एवं 4 अगस्त के पत्रों में इसका उल्लेख करते हुए लिखती हैं, सभी स्वदेशी दल एकजुट होकर कह रहे हैं कि हमें श्री रामकृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरणा मिल रही है। श्री मां शारदा का क्रांतिकारियों के प्रति प्रेम। स्वदेश प्रेम की भावना में बहते हुए इन युवा विद्रोही को अंग्रेज सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने तथा अन्य क्रियाकलापों के कारण प्रायः कारागार में बंदी बनाकर रखा जाता था, पर कारागार से छूटते ही ये देशभक्त संतान मां शारदा देवी के दर्शन एवं उन्हें प्रणाम करने के लिए उनके पास पहुंच जाते थे। मां शारदा उन दिनों बाग बाजार के उद्बोधन भवन में निवास कर रही थी। मां के सेवक स्वामी शारदानंद जी इन भक्तों को रोकते नहीं थे। मां शारदा कहती, ये लड़के कितने निर्भीक हैं, देश में कितना परिवर्तन आया है, सभी कहते हैं कि हम स्वामी विवेकानंद के शिष्य हैं। मां के एक मंत्र शिष्य रामचंद्र मजुमदार भी प्रायः मां के दर्शन हेतु बाग बाजार मां के निवास पर आया करते थे। रामचंद्र का संपर्क स्वदेशी क्रांतिकारियों से था।
इन्हीं दिनों बंगाल की धरती पर स्वयं को बलिदान चढ़ाने वाले युवक युवतियों में एक थी ननिवाला देवी। ये क्रांतिकारी अमरेंद्र चटर्जी से स्वदेश मंत्र में दीक्षा लेकर देश के लिए जीवन समर्पण हेतु अग्रसर हुई। ननिवाला देवी संबंध में अमरेंद्र की बुआ लगती थी। उस समय उनकी उम्र मात्र 24 वर्ष की थी। ननिवाला देवी का जन्म 1888 ईस्वी में हावड़ा के बाली जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम सूर्यकांत बंदोपाध्याय एवं माँ का नाम गिरिवाला देवी था। बचपन से ही ननिवाला अत्यंत साहसी, धैर्यवती एवं अति बुद्धिमती थी। मात्र 11 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ था एवं 16 वर्ष की आयु में ही वे विधवा हो गई थी। इसके बाद वे अपने पिता के घर वापस आ गई थी। क्रांतिकारियों से जुड़ने के बाद ननिवाला देवी ने संपूर्ण रूप से समर्पित होकर संघर्ष एवं संग्राम को अपना जीवन बना लिया। अत्यंत निर्भीक स्वभाव के होने के कारण वे विभिन्न प्रकार के खतरनाक एवं गोपनीय कार्यों का दायित्व लेती थी और उन कार्यों को अत्यंत कुशलता के साथ संपन्न भी करती थी। उनके अनेक आत्मीयजनों को भी यह पता नहीं चल पाता था कि वे क्रांतिकारी संगठन से जुड़ी हुई हैं। विभिन्न आवश्यक सूचनाएं अथवा अस्त्र शस्त्र एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना आदि कार्य वे विशेष दक्षता के साथ कर लेती थी। देश के लिए लोक प्रथा का त्याग। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के युगांतर नामक क्रांतिकारी विद्रोहियों ने जर्मनी के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संपूर्ण भारतवर्ष में आंदोलन करने का षड्यंत्र रचाया था, पर 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार को इस षड्यंत्र का पता चलने पर वो घायल शेर की तरह बौखला उठी एवं भारतवासियों पर निर्मम निष्ठुर अत्याचार करने लगी। स्थान स्थान पर छापा मारकर पुलिस लोगों को बंदी बनाने लगी। फांसी चढ़ाना, काला पानी भेजना, पुलिसी अत्याचार से लोगों को पागल बना देना आदि विभत्स उत्पीड़न किए जाने लगे। कलकत्ते की श्रमजीवी समवाय नामक प्रतिष्ठान पर छापा मारकर तल्लाशी ली गई तो अमर चटर्जी भाग गए, किंतु रामचंद मजुमदार पकड़े गए। रामचंद मजुमदार को 3 नंबर रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत षड्यंत्र के लिए स्टेट प्रिजनर बनाकर बंदी बना लिया गया और उन्हें प्रेसिडेंसी जेल में भेज दिया गया। रामचंद मजुमदार के पास एक विशेष प्रकार का पिस्तौल था जिसका नाम था माउजर। उन्हें बंदी बना लेने के पश्चात इस पिस्तौल को कहां छिपाकर रखा गया इसकी जानकारी उनके दल के किसी भी विप्लवी सदस्य को नहीं थी। यह एक बड़ी समस्या आ गई थी कि इस पिस्तौल को छिपाए जाने की जानकारी कैसे प्राप्त हो, क्योंकि इस अस्त्र की उस समय अत्यंत आवश्यकता थी। जब सभी इस बात से बहुत चिंतित थे तब ननिवाला देवी इसमें सहयोग देने के लिए आगे आई। ननिवाला देवी ने रामचंद्र से मिलकर इस पिस्तौल के बारे में पता करने का निश्चय किया। उन्होंने इसके लिए एक योजना बनाई। जेल में रामचंद्र से मिलना असंभव कार्य था, अतः सभी सामाजिक संस्कारों एवं लोक निंदा आदि किसी भी बातों की परवाह न करते हुए ननिवाला ने रामचंद्र की पत्नी बनकर जेल में उनसे मिलने का निश्चय किया। उस समय की सामाजिक परिस्थिति में एक विधवा स्त्री के लिए ऐसा करना कल्पना से बाहर की बात थी, पर ननिवाला ने इस योजना को कार्य में परिणत करके दिखाया। उस 24 वर्षीय विधवा युवती ने अपनी मांग में सिंदूर भरा, सुहागिन की तरह वेशभूषा बनाई एवं रामचंद की पत्नी बनकर उनसे मिलने जेल पहुंच गई। ननिवाला को देखकर किसी को भी तनिक मात्र संशय नहीं हुआ। इस प्रकार ननिवाला को रामचंद से मिलने की अनुमति प्राप्त हो गई और वह उस माउजर पिस्तौल के बारे में पता लगाने में सफल रही। इस प्रकार के खतरनाक कार्यों के अलावा ननिवाला देवी ने कई राजद्रोही विप्लवी युवकों को रिश्रा नामक स्थान में करीब 2 महीने तक छिपाए रखा। राजद्रोही युवकों को विभिन्न स्थानों में छिपाए रखने का कार्य वे बहुत दिनों तक करती रही। अंत में 1917 में अंग्रेजी पुलिस को उनकी सच्चाई के बारे में पता चल गया।
पुलिस से बचने के लिए बाध्य होकर ननीवाला को मित्रों की सहायता से पेशावर में भागकर छिपना पड़ा। वहां वे बीमार पड़ गई, उन्हें पेचिस की बीमारी हो गई। इसी बीच पुलिस पेशावर पहुंच गई और उन्हें वहां बंदी बना लिया गया। अस्वस्थ अवस्था में ही उन्हें पेशावर से काशी के जेल में भेज दिया गया। थोड़ा स्वस्थ होने के पश्चात काशी के डिप्टी पुलिस सुपरिंटेंडेंट उनसे कई प्रकार से तर्क करने लगे। जब उनसे कोई स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई तो उन पर अकथनीय अत्याचार किया गया। इसके बावजूद भी उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। फिर उन्हें पनिशमेंट सेल अंधेरी कोठरी में रखा गया, जहां न तो हवा थी न ही रोशनी थी। उन्हें लगातार 3 दिनों तक बंद रखा गया, पर दृढ़ मानसिक शक्ति की अधिकारिनी ननीवाला पुलिस के सामने थोड़ी भी विचलित नहीं हुई। उन्हें पुनः उसी कोठरी में कुछ समय के लिए फिर बंद कर दिया गया। जब कोठरी का दरवाजा खोला गया तो वे अर्धमृत अवस्था में पड़ी मिली। हार मानकर पुलिस ने उन्हें काशी से कलकत्ता के प्रेसिडेंसी जेल में भेज दिया। कलकत्ता के जेल में लाए जाने के पश्चात ननीवाला देवी अन्न का त्याग कर निराहार उपवास करने लगी। अनेक प्रयत्नों के बाद भी उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। इस प्रकार लगातार 20 दिनों तक वे निराहार रहीं। पुलिस के उच्च से उच्च अधिकारियों के समझाने मनाने से भी वे एक न मानी। तब कलकत्ते के जासूस पुलिस स्पेशल सुपरिंटेंडेंट गोल्डी ने ननीवाला देवी को आश्वस्त करते हुए कहा कि यदि वो अन्न ग्रहण करेंगी तो उसकी कोई भी मनोकामना पूर्ण की जाएगी। इस बात पर विश्वास करते हुए ननीवाला देवी ने कहा, मुझे बाग बाजार में श्री राम कृष्ण देव की पत्नी शारदा देवी के पास पहुंचा दिया जाए तो मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी। सुपरिंटेंडेंट ने कहा, ठीक है, पर तुमको आवेदन पत्र लिखकर देना पड़ेगा। ननीवाला देवी ने आवेदन लिखा और उसे गोल्डी को दिया, परंतु गोल्डी ने उस आवेदन को हाथ में लेकर उसे फाड़कर फेंक दिया। इस घटना पर अपमानित ननीवाला ने घायल सिंहनी जैसी क्रोध में दहाड़ती हुई गोल्डी के मुंह पर थप्पड़ लगा दिया। उन्हें दोबारा वैसे ही मारने के लिए उद्दत देखकर उपस्थित कर्मचारियों ने उन्हें रोक लिया। ननीवाला देवी ने क्रोधित स्वर में कहा, यदि उसे आवेदन फाड़ना ही था तो लिखने के लिए मुझसे क्यों कहा? क्या हमारे देश के लोग मनुष्य नहीं हैं? ऐसे ही प्रचंड मनोबल की धनी थी ननीवाला देवी। 1917 ईस्वी में 3 नंबर रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत पकड़ी गई देश की एकमात्र प्रथम महिला स्टेट प्रिजनर थी ननीवाला। उनकी दृढ़ता के आगे ब्रिटिश शासन को भी झुकना पड़ा। 2 वर्षों के बाद 1919 को उन्हें जेल से मुक्त किया गया। जेल से निकलने के पश्चात ननीवाला देवी का जीवन अत्यंत दुखमय एवं संघर्षपूर्ण रहा। जिस महिला ने अपना सर्वस्व जीवन देश के लिए दांव पर लगाया, उन्हें समाज ने ग्रहण करने से अस्वीकार कर दिया। उन्हें रहने के लिए कोई स्थायी स्थान नहीं मिला। पुलिस के भय से सगे संबंधी मित्रों आदि किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। न रहने के लिए स्थान, न खाने पीने का साधन, वे इधर उधर भटकती रहीं। कठिनाइयां, दरिद्रता एवं निराशा से अब वो टूटने लगी। जीवन के अंतिम दिनों में स्वाधीनता संग्रामी के रूप में उन्हें कुछ पेंशन राशि मिलती थी, पर उनका स्वास्थ्य अब भग्न हो चुका था। 1967 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। देश के नाम पर इस समर्पित जीवन को भारत के इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला, उनको भुला दिया गया। उनके आत्मत्याग की कहानी का कहीं उल्लेख नहीं मिलता, पर अब समय आ गया है कि ननीवाला जैसी कठोर दृढ़ मानसिकता की नारी के बारे में भारत की नई पीढ़ी को जानकारी हो, क्योंकि ननीवाला ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय नारी केवल अबला कोमल ही नहीं, बल्कि समयानुसार वह वज्र के समान कठोर भी हो सकती हैं। जय हिंद, जय भारत।